हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 8 सोशल स्टडी चैप्टर 9, जिसका नेम है रिलीजियस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड कल्चरल अवेकनिंग। इस चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। तो द रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म हैड सिग्निफिकेंट रोल्स इन इंडियन हिस्ट्री इन द 19th सेंचुरी। वेरियस फैक्टर्स वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिगनिंग ऑफ रिलीजियस एंड सोशल चेंजेस इन इंडिया and it is known as Renaissance period. Indian society was replete with evils like untouchability, sati system, plights of Dalit, human sacrifice, customs, drinking, etc., which lead to the society to verge of degeneration. The situation forced the intellectual to begin a reform movement. तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 19th century में रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स जो थे उसमें कई सारे सुधार हुए थे। उससे पहले डिफरेंट टाइप ऑफ रीजंस के कारण इंडिया में रिलीजन और सोसाइटी में डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस स्टार्ट हुए थे और इसे रिनेसेंस पीरियड के नाम से जाना जाता है। इंडिया में उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, जैसे छुआछूत, सती प्रथा, प्लाइट्स ऑफ दलित मतलब दलितों पे अत्याचार, बलि, बलि समझते हो ना, जो मार दिए जाते हैं जानवरों को, इंसानों को, सती प्रथा मैंने आपको बता दिया, ड्रिंकिंग मतलब शराब मद्यपान जिसको बोलते हैं। इन सब रीजंस के कारण जो इंडिया जो कंट्री थी वो बहुत नीचे की तरफ जा रही थी और इन सब कंडीशंस को सही करने के लिए जो इंडिया के जो बड़े बड़े लोग थे, जो अच्छे लोग थे, जो सोशल वेलफेयर वाले लोग थे, उन्होंने कई आंदोलन स्टार्ट किया इन सब को सुधार करने के लिए, है ना। तो आगे लिखा हुआ है राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रह्म समाज। तो मैं इसके आपको मेन मेन पॉइंट बताऊंगा, बाकी आप घर पर ही रीडिंग करेंगे। तो राजा राम मोहन रॉय पायोनियर थे, पायोनियर मतलब सुपरिटेंडेंट थे सोशल मूवमेंट्स के लिए और उनको फादर ऑफ सोशल रिफॉर्म भी कहा जाता है इंडिया का, मतलब सामाजिक सुधार करने का काम ये करते थे, इसीलिए फादर ऑफ सोशल रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। हिज आइडियाज हैड ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन रिफॉर्म ऑफ मूवमेंट इन 19th सेंचुरी। उनके जो आइडियाज थे 19th सेंचुरी के लिए बहुत कारगर, बहुत अच्छे साबित हुए। राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड ब्रह्म समाज इन 20 अगस्त 1828। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की कब, 20 अगस्त 1828। द मेंबर्स ऑफ समाज गैदर्ड ऑन एवरी सैटरडे टू रिसाइट द उपनिषद। जो इसके मेंबर्स थे वो हर सैटरडे हर शनिवार को एक जगह इकट्ठे होके उपनिषद पढ़ते थे और उन्होंने जब पूरे उपनिषद सब कुछ पढ़े सभी धर्मों के, तो उन्होंने एक 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 रिजल्ट ये निकाला कि ऑल रिलीजन सेम है और एक ही भगवान है। ही वॉज अगेंस्ट आइडियल वर्शिप। आइडियल वर्शिप मतलब जो मूर्तियों की पूजा करते हैं ना, वो मूर्तियों की पूजा के वो खिलाफ थे। ही रोट बुक्स इन बंगाली, हिंदी, संस्कृत, पर्शियन एंड इंग्लिश एंड ऑल्सो स्टार्टेड टू न्यूज़पेपर, वन इन बंगाली एंड अदर इन पर्शियन। इन्होंने बुक्स लिखी बंगाली, हिंदी, संस्कृत, पर्शियन और इंग्लिश लैंग्वेज में और दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, कौन कौन सी लैंग्वेज, बंगाली और पर्शियन लैंग्वेज में। बाकी लिखा हुआ ही वॉज अगेंस्ट द सती सिस्टम। सती सिस्टम आप लोग को पता होगा, सती सिस्टम क्या होता था, पहले जब एक हस्बैंड और वाइफ में जब हस्बैंड खत्म हो जाता था, हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो हस्बैंड के साथ साथ उसकी वाइफ को भी जिंदा जला दिया जाता था, है ना। तो वो सती सिस्टम के विरोधी थे। ही वॉज अ स्टाउट सपोर्टर ऑफ विडो रीमैरिज एंड एजुकेशन। वो बहुत सपोर्ट करते थे किसको, विडो मैरिज को, मतलब कोई जब विडो हो जाती थी, विधवा हो जाती थी, उसकी रीमैरिज अरेंज करने के लिए और एजुकेशन के लिए। ही कंडेम्ड द कास्ट सिस्टम एंड ही एडवोकेटेड फ्रीडम ऑफ फॉर ह्यूमैनिटी। ही वॉज अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट। ही वेलकम द मॉडर्न एंड वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। विलियम बेंटिक इम्प्रेस्ड बाय हिज एफर्ट बैंड द सती सिस्टम इन 1829 एंड पास्ड अ लॉ टू डिक्लेयर सती एज अ क्राइम। He died in 1833. तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, जो फाउंडर थे, जिनका नेम है राजा राम मोहन रॉय, वो पूरी मानव जाति के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए फ्रीडम चाहते थे
वो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, बहुत एजुकेशन था उनके पास, बहुत पढ़ाई की थी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। वो वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट करते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इंडिया में भी लॉन्च हो जाए, और उन्हीं के प्रयासों से, उन्हीं के एफर्ट से विलियम बेंटिक थे, उन्होंने 1829 पे सती प्रथा पे रोक लगा दी थी, सती सिस्टम पे रोक लगा दी और एक लॉ बनाया, एक कानून बनाया और उसको एक क्राइम घोषित कर दिया गया कि सती प्रथा एक क्राइम है। 1833 में उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट पार्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज। आपको पता होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, है ना। दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज इन 1875 पे फाउंड किया था आर्य समाज उन्होंने। ही प्रोपगेटेड बैक टू वेदास एज दे आर द ओनली सोर्स ऑफ ट्रूथ। उन्होंने ये कहा था कि वेदों की तरफ वापस से चले चलो, क्योंकि वो ही एक सोर्स है सच्चाई का। एंड आस्क पीपल टू रिमूव द इग्नोरेंस एंड वेलकम नॉलेज। हिज मेजर बुक इज सत्यात प्रकाश। उनकी जो बुक थी, जो बहुत फेमस और मेजर बुक थी, उनका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। आर समाज प्ले अ मेजर रोल इन द सोशल रिलीजियस लिटरेसी एंड एजुकेशन फील्ड इन इंडिया। ही पास अवे एट द एज ऑफ 59 ईयर्स। जो आर समाज है उन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया सोशल रिलीजियस लिटरेसी एंड एजुकेशनल फील्ड्स इन इंडिया पे, और उनकी डेथ कब हुई? 59 ईयर्स पे। अब उसके बारे में कुछ पार्ट्स लिखे हुए, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, उनका बचपन का नाम था मूलशंकर। ही वॉज द फर्स्ट टू कैंपेन फॉर स्प्रेड ऑफ हिंदी एंड प्लीडेड फॉर अ स्वराज। वो फर्स्ट थे जिन्होंने कैंपेन चलाया था हिंदी लैंग्वेज के लिए और स्वराज्य के लिए। द फॉलोवर्स ऑफ आर समाज फॉलो स्टैन प्रिंसिपल्स। जो आर समाज हैं उनके जो फॉलोवर्स हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती के 10 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, 10 रूल्स को। अब वो 10 रूल्स के बारे में यहाँ लिखा नहीं हुआ है, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। द आर समाज अपोज चाइल्ड मैरिज एंड सपोर्टेड द विडो री मैरिज। ओके, जैसे ब्रह्म समाज में कंडीशंस थी वैसे आर समाज में भी है। आर समाज चाइल्ड मैरिज को रोकना चाहते थे कि चाइल्ड मैरिज रुक जाए, बाल विवाह रुक जाए और विडो की वापस से रीअरेंज मैरिज हो जाए। नेक्स्ट पार्ट है महादेव गोविंद रनाडे एंड प्रार्थना समाज। महादेव गोविंद रनाडे और प्रार्थना समाज इंस्पायर्ड बाय द ब्रह्मो समाज। महादेव गोविंद रनाडे फाउंडेड द प्रार्थना समाज ऑफ बॉम्बे इन 1867। ओके, जो महादेव गोविंद रनाडे थे वो इंस्पायर हुए ब्रह्म समाज से और उन्होंने प्रार्थना समाज बनाया बॉम्बे पे 1867 में। टू अदर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ द समाज वेयर रामकृष्ण गोपाल भंडराकर एंड आत्माराम पांडुरंग। इनके साथ साथ इन दोनों ने भी समाज में अपनी एक्टिवनेस शो करी। अब नीचे कुछ पार्ट्स लिखे हुए हैं। द प्रार्थना समाज वर्क फॉर इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड एडवोकेटेड विडो री मैरिज। सेम है, मतलब जो वुमेन्स हैं उन वुमेन्स के बारे में उनकी स्थितियां सुधार का काम किया और विडो की मैरिज अरेंज करने के लिए उन्होंने वकालत की। सेकंड, देन नेक्स्ट है रनाडे बिलीव दैट एजुकेशन वॉज एन इम्पॉर्टेंट ब्रिंगिंग अबाउट अवेयरनेस इन द सोसाइटी एंड लेड एम्फेसिस ऑन अ वुमेन एजुकेशन। मतलब रनाडे थे वो ये बिलीव करते थे कि जो एजुकेशन है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ है और उसके बारे में वुमेन्स को, बच्चों को, बड़ों को, सबको अवेयर करते थे, जागरूकता फैलाते थे। नेक्स्ट पार्ट पे लिखा है उन्होंने जाति प्रथा, मतलब कास्टिज्म रिलीजन के लिए छुआछूत का विरोध किया, हिंदू मुसलमान की एकता को बनाए रखने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। देन दलित जो फीमेल्स थी उनके लिए स्कूल खोला। 1884 में उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। देन इसके बाद उन्होंने एक विद्यालय खोला, एक स्कूल खोला पूना में, जो फर्ग्यूशन कॉलेज के नाम से आज भी जाना जाता है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भी प्रार्थना समाज का समर्थन किया था। नेक्स्ट पार्ट है ज्योतिबा फुले एंड सत्यदोषक समाज। तो बंगाल और मुंबई में चलाए जा रहे कुछ ऐसे आंदोलन से इंस्पायर होके ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, है ना। इसके माध्यम से उन्होंने जो दलित से उनकी शिक्षा के लिए काम किया और स्कूल खोला।
देन इसके बाद लिखा हुआ है कि छुआछूत का विरोध करते हुए उन्होंने कुछ आंदोलन चलाए जिसमें समाज के समाज को उन्होंने उन दलित की जो भी प्रॉब्लम है ना वो समाज को दिखाने के लिए ऐसे आंदोलन स्टार्ट किए थे। देन जो विडोज थी उनका वापस से विवाह हो जाए, शादी हो जाए, इसी के लिए उन्होंने कई काम किए। और उनके जो जो उन्होंने प्रयास किए उसमें जगन्नाथ सेठ और भावजी जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट थे, समाज सुधारक थे, उन्होंने उनको सपोर्ट किया। नेक्स्ट पार्ट है स्वामी विवेकानंद एंड रामकृष्ण मिशन। इसके बारे में 19th century में एक और सोशल रिफॉर्मर थे जिनका बोलना चाहिए रामकृष्ण परमहंस, जिनका एजुकेशन में बहुत बड़ा योगदान था। रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था 1836 में बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में। वो बचपन से ही स्पिरिचुअल थे, वो मतलब स्पिरिचुअल को बोलना चाहिए आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। और उन्होंने प्यूरिटी ऑफ रिलीजन्स को स्वीकार किया था, प्यूरिटी ऑफ रिलीजन्स मतलब धर्मों की पवित्रता को। उन्होंने इंडियन कल्चर को महान बताते हुए मूर्ति पूजा को सही बताया था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस उस समय जो भी सोशल एक्टिविस्ट थे, जो भी समाज सुधारक लोग थे, वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित थे। देन उनके उपदेश या उनकी शिक्षा को सभी लोगों तक पहुंचाने के का काम स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 बंगाल के एक नॉर्मल से परिवार में हुआ। उनका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। एजुकेशन या ज्ञान की खोज में वो रामकृष्ण परमहंस से मिले और उनसे इंस्पायर होके 1897 में उन्होंने रामकृष्ण की स्थापना की। इस मिशन का जो मेन पॉइंट ये था कि जो आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल पावर की अच्छाइयों से जोड़कर समाज को सुधार करें या समाज की सेवा करें। इस मिशन ने बाढ़ आती है ना अकाल पड़ता है, मतलब खाने पीने को कुछ नहीं रहता, जो नेचुरल कैलमिटीज़ आती हैं, जो प्राकृतिक विपदाएं आती हैं महामारी के समय, कई बहुत सारे राहत कार्य किए और कई स्कूल कॉलेजेस भी खोलने का काम किया। रामकृष्ण मिशन ने सभी रिलीजन या पूजा को एक बोलना चाहिए इक्वल नज़र से देखा, है ना। देन स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों को जगाने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए कई एफर्ट्स किए। उन्होंने भारतीय संस्कृति को वर्ल्ड की सबसे सुप्रीम संस्कृति, सबसे अच्छी ट्रेडिशन बताते हुए विदेश में भी इसका प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट पार्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड एनी बेसेंट। तो मैडम ब्लेवेस्की एंड कर्नल एलकॉट, उन्होंने स्थापना की थियोसॉफिकल सोसाइटी की यूएस में। इंडिया में इनका हेडक्वार्टर बनाया गया अदयार कहाँ पर था उस समय, मद्रास, नाउ इन चेन्नई। मिस एनी बेसेंट एक्सेप्टेड इट्स मेंबरशिप इन 1889। एनी बेसेंट ने इसकी मेंबरशिप एक्सेप्ट की 1889 पे, व्हेन शी केम टू इंडिया इन 1893। जब वो 1893 पे इंडिया आई, उन्होंने इस सोसाइटी के लिए काम करना स्टार्ट किया। 1907 में वो अपॉइंट की गई प्रेसिडेंट इस सोसाइटी की। कौन सी सोसाइटी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। देन इसके बारे में कुछ मैं पार्ट्स बता देता हूँ जल्दी से। उन्होंने भारतीय वेद, इंडियन के वेद, पुराण, दर्शन, लिटरेचर, इनको बहुत गहराइयों से पढ़ा और उनकी संस्कृति, भारतीय संस्कृतियों को महान बताने के लिए बहुत सारे प्रयास किए लोगों के बीच में जाके। नेक्स्ट है, उन्होंने भागवत गीता और डिफरेंट टाइप का धर्म ग्रंथों को पढ़ा, उनका इंग्लिश में अनुवाद किया, मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया उनको, और भारत की कई गौरव गाथाएं, मतलब कई कहानियों के बारे में लिखा और उनके लेख लिखे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों के बारे में कई किताबें लिखी और लोगों में जन जागरण का काम फैलाया। 1898 में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने वाराणसी, अभी उस समय का बनारस, अभी का वाराणसी में एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज भी खोला
और उन्होंने वुमेन एजुकेशन को इम्पोर्टेंट बताते हुए विडो और बच्चियों को पढ़ाने लिखाने में कई प्रयास किए। देन चाइल्ड मैरिज के बारे में और जाति प्रथा के बारे में कई बार विरोध किया लोगों से और इनको रोकने की बात कही। नेक्स्ट पार्ट है मुस्लिम सोसाइटी एंड रिफॉर्म मूवमेंट। द मुस्लिम सोसाइटी वॉज ऑल्सो बीसेट विथ लॉट ऑफ ईविल। सेवरल मुस्लिम इंटेलेक्चुअल एंड स्कॉलर्स टुक अ पायनियरिंग स्टेप इन रिमूविंग द ईविल्स एंड इंस्पायर्ड द मुस्लिम सोसाइटी। तो मुस्लिम्स में भी कुछ ऐसी कंडीशंस थी कि डिफरेंट टाइप ऑफ वहाँ पे भेदभाव की स्थितियाँ थी। मुस्लिम जैसे हिंदूज में थी वैसे उनके उनके पास भी थी। तो इन टाइप की इसी टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स इस ईवल्स को दूर करने के लिए कई मुस्लिम लोगों ने कई मुस्लिम सोशल एक्टिविस्ट ने बहुत सारे प्रयास किए थे। तो इसमें कुछ पार्ट्स हैं। नवाब अब्दुल लतीफ़ ने फाउंड किया मोहम्मदिन लिटरल सोसाइटी कलकत्ता में 1863 में। उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स एंड ऑल्सो प्लेड फॉर हिंदू मुस्लिम्स यूनिटी। अनदर इम्पॉर्टेंट नेम वॉज सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेम जाना जाता है जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन फॉर मुस्लिम के लिए ट्राई किया, बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए। देन सर सैयद अहमद खान had to face opposition from Muslim fundamentalist, but he did best to bring English and Muslim closer. इन सब काम करने के बाद सर सैयद अहमद खान हैं जो उनको मुसलमानों के बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो अपने काम करते रहे। और उनका जो मेन काम ये था कि इंग्लिश मैन जो अंग्रेज थे और मुसलमानों के बीच में कोई गैप ना रहे, सब इक्वली शो। तो 1864 में उन्होंने एक ट्रांसलेशन कमेटी फाउंड की जिसको साइंस कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ट्रांसलेट किया गया साइंस और अदर सब्जेक्ट्स इन उर्दू, है ना। 1877 में उन्होंने एस्टैब्लिश किया मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जिसका शॉर्ट फॉर्म है MAO कॉलेज अलीगढ़ में, वेयर टीचिंग ऑफ साइंस एंड आर्ट वॉज इम्पार्टेड इन इंग्लिश मीडियम, जहाँ पे साइंस और आर्ट को उर्दू की जगह इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता था। इंग्लिश पीपल भी कॉपरेट करते थे डेवलपमेंट ऑफ कॉलेज, एंड बहुत सारे टीचर्स उस कॉलेज में जो थे वो इंग्लैंड से थे जो बच्चों को पढ़ाने आते थे। बाद में कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना गया जो अभी भी है। द एंटायर एपिसोड इज नोन एज अलीगढ़ मूवमेंट, और सब ये इन पूरे कामों को क्या नाम दिया गया, अलीगढ़ मूवमेंट का। मुस्लिम्स दूसरी कंट्री से भी कई मुस्लिम्स ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इस कॉलेज को बढ़ाने और ग्रोथ करने के लिए। सैयद अहमद खान चैम्पियन द कॉज ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, बट लेटर ऑन हर हिमसेल्फ केम अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। स्टार्टिंग पे जो सर सैयद अहमद खान हैं उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि हिंदू और मुस्लिम एक जो हो जाएं, लेकिन बाद में वो अंग्रेजों के प्रभाव में आ गए थे। देन नेक्स्ट पार्ट है ही सेड स्लेवरी वॉज द अगेंस्ट इस्लाम एंड एम्फेसाइज द न्यू ऑफ क्योंड्रिक स्टडी। उन्होंने दास प्रथा को हम क्या बोल सकते हैं, किसी को जैसे किसी के अंडर पे काम करना, बॉन्डेड लेबर जिसको बोलते हैं, उन्होंने ये बोला था कि जो बॉन्डेड लेबर है वो इस्लाम के विरुद्ध है, मतलब इस्लाम के अगेंस्ट में है। और उन्होंने कुरान को पढ़ने में जोर दिया कि आप लोग कुरान पढ़ो। देन ही प्रोपोगेटेड द व्यू बिफोर द सोसाइटी थ्रू तहजीब अल अलकत उर्दू जनरल। अपने विचार उन्होंने तहजीब उल अखलाक नाम की पत्रिका या न्यूज़पेपर में छपवाया ताकि समाज में समाज के सामने वो आ सके। देन नेक्स्ट है रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ पारसी एंड सिख। तो इसमें यह लिखा हुआ है समाज और रिलीजियस या सामाजिक सुधारों का यह प्रयास हिंदू मुसलमानों के साथ साथ दूसरे डिफरेंट कल्चर्स डिफरेंट रिलीजन्स ने भी स्टार्ट किया था, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। 1851 में पारसियों ने रिलीजियस सुधार के लिए एक संघ की स्थापना की जिसका मेन एम ये था कि पारसियों की सामाजिक स्थिति, पारसी धर्म की जो बोलना चाहिए एशियंट विरासतें थी, इनको पहले जैसा स्थापित करना। तो इस संस्था के जो मेन नेता थे वो दादा भाई नेहरू जी
और नेहरोजी फर्दूनी थे जिन्होंने मिलकर रस्त गुफ्तार नाम का एक न्यूज़पेपर एक पत्रिका निकाली। दोनों नेताओं ने शिक्षा के लिए प्रचार प्रसार किया कि गर्ल्स एजुकेशन को भी पढ़ाने के लिए आगे आए कि गर्ल्स एजुकेशन आगे बढ़े। नेक्स्ट है वेस्टर्न एजुकेशन और कुछ ऐसे सुधार जो आंदोलन थे इनसे प्रभावित होकर इनसे इंस्पायर होकर जो सिख थे उन्होंने भी अपने समाज में सुधार लाने के बहुत सारे काम किए। सिखों ने गुरुद्वारे अपने अपने प्रीस्ट और अपने जो महंत के जो सिखों के थे उन्होंने अपनी निजी बोलना चाहिए जो सिखों के गुरुद्वारे थे ना जो गुरुद्वारे आप जानते होंगे तो गुरुद्वारे में क्या ये जो महंत होते हैं जो पुरोहित होते हैं जो उनके पूजा पाठ करते हैं सिखों में जो गुरुजी होते हैं बोलना चाहिए वो एक्चुअल पे अपनी संपत्ति समझने लगे थे किनको गुरुद्वारे को। इसके लिए इसको अपनी संपत्ति से मुक्त जो अपनी संपत्ति समझने लगे थे तो उनको उनसे छुड़ाने के लिए गुरु शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई गई और अकाली दल ने मिलकर एक आंदोलन चलाया गुरुद्वारों को कंट्रोल करने के लिए एक सिख समाज को सौंपने की मांग की। मैं एक सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ जैसे नॉर्मल प्रीस्ट होते हैं ना पंडित होते हैं टेंपल्स में पूजा करते हैं तो उस समय जो गुरुद्वारे में जो सिख सरदारों के जो पुरोहित थे जो महंत थे जो प्रीस्ट थे जो पूजा करते थे वहाँ पे वो लोग क्या उन्होंने सोचा कि अभी हमारी संपत्ति है वो पूरी जो गुरुद्वारे की पूरी बिल्डिंग्स या पूरा ऑल ओवर जो भी एरिया था वो सोचते थे वो हमारी हो गई। तो इसको दूर करने के लिए बहुत सारे आंदोलन स्टार्ट किए गए शिरोमणि अकाली दल या अकाली दल बनाया गया या शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई गई। और जब ये कमेटी बनाई तो इनमें जो मेम्बर्स जुड़े उन मेम्बर्स ने मांग की कि भाई ये सिखों को सौंप दिया जाए दैट इज़ नॉट योर प्रॉपर्टी। शांतिपूर्ण आंदोलन ये हुआ तो उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट कास्ट के लोगों ने भी इनको सपोर्ट किया और सभी के प्रयासों से सभी के एफर्ट से 1925 में एक कानून बना जिसमें गुरुद्वारे के ऑपरेशन का काम है जो वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को सौंप दिया गया। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स ऑन इंडियन सोसाइटी मतलब भारतीय समाज पे इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो मैं आपको बता देता हूँ जो इंडियंस का इंटरेस्ट बढ़ा किसमें मॉडर्न एजुकेशन साइंस और लिटरेचर में राइस इन द नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स खुल गए इम्प्रूवमेंट हो गई एजुकेशन कंडीशन ऑफ वुमेन में ईवल प्रैक्टिसेस जो दुष्प्रभाव था सती चाइल्ड मैरिज है ना पर्दा सिस्टम ये सब बंद हो गया। द मूव टू रिटन वैदिक स्टडी एंड कल्चरल स्प्रिट प्रोवाइडेड द स्टेबिलिटी टू द फीलिंग फॉर फ्रीडम एंड नेशनलिज्म मतलब इनके कारण वेदों की तरफ वापस से लोग लौट आए अपने कंट्रीज की संस्कृति के बारे में देन भारतीयों ने स्वतंत्रता और नेशनलिज्म की भावना आने लगी और इन सुधार आंदोलनों से पूरे देश में एक अवेयरनेस फैल गई एक जागरूकता फैल गई और सांस्कृतिक मतलब कल्चरल अवेयरनेस का विस्तार हुआ। द नेक्स्ट पार्ट है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन लिटरेचर आर्ट एंड साइंस है ना ये आप पढ़ लेना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो भी मेन पॉइंट्स होंगे। मैं नेक्स्ट पेज में आ जाता हूँ पेज नंबर 91 पे लिटरेचर एंड आर्ट। तो 19th सेंचुरी के टाइम पे लिटरेचर इन एवरी मॉडर्न लैंग्वेज बिगेन टू डेवलप मतलब हर मॉडर्न लैंग्वेज पे लिटरेचर का काम उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। अर्लियर मोस्ट द लिटरेसी वर्क ड्रू द थीम्स फ्रॉम रिलीजन बट नाउ ह्यूमनिस्टिक टॉपिक्स केम अप एज थीम्स इन बोथ प्रोज एंड पोएट्री फॉर्म्स। तो पहले यहाँ पे ये लिखा है कि पहले मेनली जो भी बोलना चाहिए लिटरेसी वर्क थे जो भी बुक्स थी जो भी न्यूज़पेपर थे पहले उनमें सिर्फ धार्मिक गतिविधियों को ही इन्वॉल्व किया जाता था मतलब धर्म से रिलेटेड मैटर छपते थे लेकिन 19th सेंचुरी के बाद वहाँ पे पोइट्री बोलना चाहिए प्रोस मतलब चैप्टर्स ये सब आने लगे थे लिटरेचर की बात कर रहे हैं। देन इसके बाद नई टाइप की लिटरेसी राइटिंग आई जैसे नॉवल शॉर्ट स्टोरी ड्रामा ऐसे ये सब डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे।
नेक्स्ट में लिखा है न्यू फॉर्म ऑफ पोइट्री बेसिकली ह्यूमेनिस्टिक विच वर रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ पीपल एंड देयर प्रॉब्लम्स। मतलब एक नई क्रांति स्टार्ट हुई थी जिसमें ह्यूमेनिस्टिक मतलब मानवता से रिलेटेड पार्ट लिखे जाते थे जो डायरेक्टली रिलेटेड थे पीपल की लाइफ से, लोगों की लाइफ से और उनकी प्रॉब्लम से। लिटरेचर जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया था पैट्रियोटिज्म और नेशनल फीलिंग। पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति, जनसेवा, इनसे इनको लेके बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया था लिटरेचर। और जो रिलीजनल लिटरेचर्स प्रमोटेड रिफॉर्मेटिव आइडियाज एंड रेज्ड वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। तो जो क्षेत्रीय भाषा थी उस समय उसमें भी लिटरेचर का इन्वॉल्वमेंट हो गया था और उन्होंने क्या अपनी अपनी भाषा में लिटरेचर फॉर्मेशन लिखना स्टार्ट किया और अपने क्षेत्रों के जो भी समस्याएं थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाना उन्होंने स्टार्ट किया था। देन नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है डेवलपमेंट ऑफ साइंस। साइंस का कैसे डेवलप हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ। महेंद्रनाथ सरकार फर्स्ट मेडिकल स्टूडेंट थे इंडिया में और उन्होंने द इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस बनाया 1876 में। दिस बिकेम द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रमोशन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत प्रीमियर पार्ट हो गया इस ऑर्गेनाइजेशन का और उन्होंने प्रमोशन किया और पॉपुलराइज किया साइंस को। 20th सेंचुरी में इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन का सेटअप हुआ Who drew scientists from across the country on one platform? जो competition exams के through साइंटिस्टों को पूरी इंडिया से बाहर निकालती थी और अपने एक platform पे रखती थी। In physics, चंद्रशेखर वेंकटरमन, in statics, प्रफुल्ल चंद्र महलनोविस एंड श्रीनिवास रामानुजन, in mathematician and made significant contribution. Okay. चंद्रशेखर वेंकटरमन ने स्टैटिक्स में, प्रफुल्ल चंद्र ने और रामानुजन ने मैथमेटिक्स में बहुत सारे सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट काम किए। देन द प्रोमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वॉज एम विश्वेश्वरैया, जो 1861 में जिनका बर्थ हुआ, जिनकी डेथ हुई 1962 में। उन्होंने बहुत ही कमेंडेबल वर्क किया इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के फील्ड में। उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया डैम्स बनाने में, डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब पानी से जो बिजली बनती है उसमें, पावर्स एंड प्रमोशन ऑफ सेरिकल्चर एंड द ग्रोथ ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। देन पीसी रे, जेसी बोस, सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साहा, डीएन वाडिया एंड बीरबल साहनी, ये भी प्रोमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे साइंटिस्ट कल्चर के इंडिया के, जिन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन दिए। देन सेम पेज पे डेवलपमेंट ऑफ प्रेस है, वो आप अपने आप से पढ़ेंगे। मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट पे डाल दूंगा। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं आप मुझे हैसल फ्री कॉन्टेक्ट करें। ओके, थैंक यू।